वेल हेलो गुड मॉर्निंग अगेन। ये है फोर्थ डे। अभी अमृतसर से निकल रहे हैं श्रीनगर कश्मीर की तरफ। स्वर्ग में हेवन में जाएंगे भाई। और ये देखो अपनी बाइक फुल लोड करके रखी है। पीछे आनंद और समृद्धा की भी बाइक है। अभी बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ पे क्योंकि हमारी बाइक से यहाँ पे खड़ी है और वो जो ऑटो रिक्शा थी एग्जैक्टली वो पीछे खड़ी, तो हम लोग बाइक ही मूव नहीं कर पा रहे थे। तो रिसेप्शनिस्ट में जो बैठता है उसको बुलाया, बोला ऑटो हटा दो। बाद में हम लोग ने बाइक बाहर ले ली। अब यहाँ से अब निकल जाएंगे, बाइक पे बैठ जाएंगे कुछ ही दिन, कुछ टाइम में। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, 5 बजे निकलने का प्लान था लेकिन चेन लूबिंग, गाड़ी को लोड करना था और ये सब मसला, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज सिर्फ 400 किलोमीटर ही कवर करना है, सो कोई बिग डील है नहीं। थोड़ा सा घाट सेक्शन होने वाला है, बहुत सारे सीनिक नज़ारे होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। देखो कितना सुंदर दृश्य है, सूर्य देवता ऊपर आ चुके हैं। ये यहाँ पे हाईवे वो छोड़ के हम लोग ने कोई तो ये अलग सा टर्न ले लिया है श्रीनगर की तरफ। अभी श्रीनगर यहाँ से 9.5 घंटे की जर्नी है। एस्टिमेशन टाइम बता रहा है 2:30 और अभी सुबह के बज गए 6, तो ऑलमोस्ट 6 बजे हम लोग ने अपनी राइड शुरू कर दी है। और ये देखो कितना मस्त हाईवे है, हाईवे पे कोई नहीं है। ये बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बहुत ही मोहक लगते। कल हम लोग डिनर करके जब रिटर्न आ रहे थे घर पे, तो भी बहुत बड़ी मैंने एक बिल्डिंग देखी। इट्स लाइक अगर आपने विधान सौदा देखा है, बेंगलोर का विधान सौदा, वो कितना बड़ा है, सेम उसका ही रेप्लिका, उसका ही कॉपी बना ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पे गेट पे लिखा था कॉलेज। भाई मैं तो शॉक हो गया, ये ऐसा कॉलेज जैसे कि कोई महल होगा पुरखों के ज़माने का, कोई तो राजा और महाराजों की तरह कोई तो महल रहेगा, ऐसा इन लोग का कॉलेज है। ये कॉलेज का नाम भी मैंने कल पढ़ा था, कुछ सालसा कॉलेज ऐसा कुछ तो था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना भी डोनेशन भर दूँ लेकिन इधर आके खाली बैठ जाऊँ बस। सीखूँ या ना सीखूँ वो अलग पार्ट है, बस आके बैठ जाऊँ। ये देखो भाई अभी से वाटर क्रॉसिंग शुरू हो गई, क्या मालूम ये कहाँ से इतना पानी आ गया है। लेकिन देखो शूज पे गिर गया, हट 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 हट। चलो अच्छा है शूज के अंदर नहीं गया, ऊपर ही गिर गया। ये ट्रक वाला बाजू में था, उसने थोड़ा उसके टायर की वजह से वो पानी उड़ के आ गया अपने शूज पे। लेकिन अगर अंदर चला जाता तो और दिक्कत हो जाती है, वो जल्दी सूखता नहीं है लंबा वाला शूज। 300 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए भी 8 घंटे का रास्ता है। मतलब सोच रहे हो रास्ता कैसे होगा। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ऑफ रोडिंग तो था, लेकिन ये देखो यार ऑफ रोडिंग करने के बाद राइट साइड में कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये अभी भी बनी हुई रोड लग रही है, एकदम क्लीन चकाचक स्मूथ रोड है। और ये अपने राइट साइड में छोटे छोटे से गांव भी दिख रहे हैं, हरियाली भी दिख रही है और पहाड़ भी है। सही है ना, मस्त नज़ारे। मतलब वो कश्मीर की वादियों में आने जैसा फीलिंग तो आ रहा है। यहाँ से उधमपुर 75 किलोमीटर है। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग डायरेक्टली जम्मू में ही जाके ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन वो वाइब्स, थोड़े कश्मीर वाले वाइब्स आना चालू हो चुके हैं। फिलहाल अभी जम्मू में है और ये है बाली नाम का गाँव इस जम्मू में। ये देखो यार कितना मस्त पहाड़ वगैरह सब लग रहा है, इसमें से सब हाईवे वगैरह जा रहे हैं। और यहाँ से अभी हमारी जो जर्नी होने वाली है ये सब ऐसे घाट सेक्शन में ही होगी, तो डिस्टेंस जो है किलोमीटर जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसे रोड्स पे ये देखो, ये ऐसा जिप्सी एक नंबर भाई। अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे लेकिन ये बाली गाँव के आसपास ही, हम लोग ने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो पेट्रोल भी भरा लिया। और ये देखो यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, हाईवे दरबार, तो यहाँ पे रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बाकी अपनी बाइक तो यार क्या लग रही है, मतलब फुल्ली लोडेड बाइक है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे और एक मैं सैडल बैग भी ले लूँ, नॉट जस्ट बिकॉज मेरे को वेट बढ़ाना है ऑफकोर्स, क्योंकि सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो शॉपिंग कर लूँ यहाँ पे घर वालों के लिए, कुछ ना कुछ तो लेके जाऊँ। तो लेके जाने के लिए अभी रखने के लिए कहीं पर नहीं है, तो वैसे भी मेरे को सैडल बैग्स लेने ही थे तो सोचा अभी ले लेंगे, अगर श्रीनगर में मिला तो पक्का ले लेंगे।
तो ये देखो यहाँ पे गर्मी इतनी है कि समीर भाई का ये क्रेडिट कार्ड भी पिघल गया। ये देखो क्या इसकी हालत हो गई है, पूरा एक पेपर जैसा लग रहा है। तो ये हालत है यहाँ पे गर्मी की वजह से। तो सोचो हम लोगों को कितना गर्म होता रहेगा बहुत। हाँ मतलब थोड़ा तकलीफ बहुत हो रहा है, लेकिन हमेशा हाइड्रेटेड रहना, पानी ज़्यादा पीना या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक तो अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों में, लेकिन एनर्जी ड्रिंक जो होता है जैसे कि हम लोग ने इलेक्ट्रोल पाउडर लाया था तो पानी में डाल के उसका एनर्जी ड्रिंक बना के पीना इज़ ऑलवेज बेटर। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन जो हम लोग का एस्टिमेशन टाइम था जो 3:30 को था वो अभी हो गया है 4:38। एक घंटे से हमारा डेस्टिनेशन टाइम, एस्टिमेशन टाइम, व्हाटएवर टाइम, वो सब बढ़ गया। लेकिन बहुत दिल को सुकून लगा, आत्मा शांत हो गई भाई, पेट भर के खा लिया। अभी ऐसा लग रहा है कि फुल एनर्जी आ चुकी है, तो अभी हम खुद भी फ्यूल अप हो गए और अपनी बाइक को भी टोटली फ्यूल्ड अप कर दिया है। ये देखो भाई क्या मस्त ये टनल बनाया है, छोटा सा ही है टनल। वो क्या लग रहा है इस टनल के अंदर से जाते हुए, एक नंबर, सही लग रहा है भाई। ये क्या खतरनाक टनल बनाया हुआ है, ये जो सुकून मिल रहा है ना इस टनल में, ऐसा लग रहा है कि टनल के अंदर किसी ने एसी लगा दिया है और हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है, और ये जो लाइट्स भी आपने लगा के रखी है, और सबसे बढ़िया बात मुझे लगा यहाँ पे SOS दैट मीन्स अर्जेंसी, इमरजेंसी कोई आपको अगर आएगी तो यहाँ पे फोन कर दो, मदद आपके लिए पहुँच जाएंगे। ये देखो आगे का कुछ दिखना ही बंद हो गया, यहाँ की मिट्टी ऐसी व्हाइट व्हाइट क्यों है भाई, जैसे कि रन ऑफ अ कच्छ। ये भाई गिर जाएगा मेरे पे, ना कसम क्या डरा दिया भाई उसने। वो बाजू में ट्रेलर चल रहा है, वो गड्ढे की वजह से एकदम ऐसे टेढ़ा हो गया, बाजू में मैं था भाई, मेरे को एकदम लगा ये गया, ये नीचे आ जाएगा अभी। या इट्स थ्रिलिंग, इट्स एडवेंचरस, इट्स लद्दाख। देखो भाई देखो रास्ते, देखो रास्ते, देखो रास्ता दिख रहा है क्या, सब धूल मिट्टी दिख रही है। यही तो थ्रिल चाहिए था, यही तो एडवेंचर चाहिए था। अबे अबे गड्ढे भी नहीं दिख रहे, एकदम से बाइक नीचे जा रही है। क्या बताए क्या हालत है, गर्मी से लथपथ, धूल मिट्टी खाते हुए, गियर्स गरम कर रहे हम लोगों को, ये अपने गाड़ी के गियर डाल डाल के, क्लच पकड़ पकड़ के, उंगलियां भी दुख रही है, क्लच केबल भी, क्लच प्लेट्स भी गरम हो चुके होंगे, क्लच केबल भी लूज हो गई होगी। लेकिन इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए दिमाग में एक ही चीज़ है, हम जा रहे लद्दाख। ये देखो हाँ 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 मिट्टी से फिसल रही है गाड़ी। इतना सब झमेला कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में देखो क्या खतरनाक व्यू है, वर्थ इट। किधर गए भाई अपने, भीड़ देख रहे हो, तो भीड़ देखने के बाद लेफ्ट में ये देखो पानी भी देखो नीचे, बढ़िया है बढ़िया है। ये ट्रैफिक को एंजॉय करते करते हम लोग इसको भी एंजॉय कर रहे, मतलब एटलीस्ट मैं तो, लेफ्ट में बहता हुआ पानी वाओ। और अभी आर्मी के भी बहुत सारे ट्रक्स गए यहाँ से, वो एक जवान थे, उन्होंने वो गाड़ी पे ट्रक पे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे वेव किया, हाथ वेव किया, सही लगा। लेकिन मैं उनको ज़्यादा देर तक वेव नहीं कर पाया क्योंकि हैंडल ये पकड़ना है भाई। एक तो ये ऑफ रोडिंग चल रही है, पानी है, कीचड़ है, उसमें से मैं हाथ जोड़ के बाय बाय करता
तो अपने बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता। थोड़ा सा किया मैंने लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाया। फाइनली वो सब भीड़ भाड़ से, वो सब ट्रैफिक से हम लोग बाहर आ गए। और देखो थोड़े से अभी ट्रैफिक कम होने के बाद नज़ारे कितने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। क्या मस्त माउंटेन्स हैं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे भी ना पीछे एक माउंटेन था और वहाँ पे ऊपर घर बनाए थे। अब वो देखो सामने एक माउंटेन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर घर है, एकदम एकदम ऊपर पे। कितना सही दिखता है वो। उधर रहने वाले लोगों को क्या व्यू दिखता रहेगा, उनको तो हमेशा का ऐसा ही व्यू। वाव, कभी कभी लगता है मुंबई पुणे वाला लाइफ छोड़ के इधर ही किधर तो ले लेंगे घर और रह लेंगे। भले खुद की छोटी सी खेती क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो उगा के खा लेंगे और आराम से रह लेंगे। ना ऑफिस जाने की चिंता, ना लॉगिन करने की चिंता, ना लैपटॉप, ना मोबाइल, कुछ नहीं कुछ नहीं। बस नेचर के साथ रहो, एंजॉय करो। गाइज फाइनली 2:30 बजे हम लोग पहुँच गए हैं कश्मीर वैली में। तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, वेलकम टू कश्मीर वैली। तो अब शुरू होगी कश्मीर वैली। आपने इसके पहले ट्रैफिक देख लिया, थोड़ी फार नदियाँ देख ली, पेड़ पौधे देख ले। अब मेरे पीछे ये देखो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, वो ऊपर कितना बहुत बढ़िया ऐसा आसमान लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे सब अभी अंदर शुरू होगा अपना कश्मीर की वैली, और कश्मीर को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और मैं और समीर दादा यहाँ पे आगे आ चुके थे, बहुत हमने यहाँ पे फोटोज़ खींच लिया। अभी मेरा चेहरा भी आप देख रहे होंगे, शायद थोड़ा सा टैन और थका हुआ और थोड़ा सा पसीने से लथपथ दिखता होगा। ये भी बहुत ख़राब हो चुका है, फिलहाल इसको इग्नोर करो और इस पर फोकस करो। और ये देखो गाइस, ये पहली बर्फ जो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। बहुत दूर तक ये माउंटेंस दिख रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ छाई हुई है। यहाँ से अपनी आँखों से देखने के लिए काफ़ी मज़ा आ रही है। और कुछ दिनों में हम लोग वहाँ होंगे, वैसे बर्फ से भरे हुए पहाड़ पे हम लोग होंगे, किसी सपने से कम नहीं है भाई। गाइज आपको और एक अपडेट देना था, अगर आपके पास जियो भी है, पोस्टपेड भी है, फिर भी यहाँ पे कोई भी रेंज नहीं आ रही है। पठानकोट से लेके कहाँ तक, अभी जहाँ पे पहुंचे यहाँ तक अभी भी रेंज नहीं है। हाँ अभी भी फिलहाल रेंज नहीं है, शायद कर चुके हैं। यहाँ से श्रीनगर 90 किलोमीटर है, फिर भी रेंज नहीं है। हाँ तो शायद मुझे लगता है कि श्रीनगर में जाने के बाद रेंज आ जाए, लेकिन जियो पोस्टपेड होने के बावजूद भी यहाँ पे रेंज नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकता है। श्रीनगर में हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, बाइकर्स वाली शॉपिंग मुझे और आनंदा को, तो हमें एक शॉप मिल गया। तो ये देखो यहाँ पे राइनॉक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे हेलमेट्स। ऐसा लग रहा था कि एक कोई छोटा बच्चा एक मेले में जाने के बाद उसको सब कुछ खरीदने का मन करता है। लिटरली हम दोनों को भी उतनी ही फीलिंग आ गई। थोड़ी शॉपिंग हम लोग ने भी कर ली है, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ ले लिया है अपने बाइक के आगे की जर्नी के लिए।
और मिलते हैं इस शॉप के ओनर को। तो यह है अबरार भाई, जिन्होंने बहुत अपनी हेल्प की, बहुत कुछ हम लोग को दिखाया प्रोडक्ट्स वगैरह, और अनंत भाई को भी कुछ चेंजेस करके दिए उसके हेलमेट में। तो अबरार भाई, क्या बताओगे आप शॉप का नाम वगैरह, क्या खुलती है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो। हमारी शॉप का नाम कम्यूट ऑटोमोबाइल्स है। हम अगेन कौन सा? कम्यूट ऑटोमोबाइल्स। ओके। तो हमारा एक वाइड शॉप है, जो एक हमारा राइडिंग गियर्स और एक्सेसरीज का बिजनेस है। एक अकेली शॉप है श्रीनगर में, जहाँ से आप सारी गियर्स और एक्सेसरीज ले सकते हैं। और ये अकेले ऑथोराइज्ड राइनॉक्स के डीलर है श्रीनगर में। हम लोग ने गूगल पे सर्च करके आधे रोजाना के हैं, जीवी के हैं, ग्रैंड प्रेस्टॉक के हैं, हम दोनों ने गूगल पे सर्च किया और आधे घंटे से हम लोग राइड करके अगेन यहाँ पे आ गए। और मैंने क्या क्या ले लिया आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। इंजन ऑयल अपना जो हमेशा मैं यूज करता हूँ, 10W40 इंजन ऑयल शूटर, ये वाला लिक्यूमोली का, और ड्राई सैक ले लिया, ये ड्राई सैक ये भी ले लिया। तो अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है, अभी मुझे लगता है कि लोड करके निकल जाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार है हमारा आज का ये होटल, आज का ये स्टे, और यहाँ पे हमारे रूम है। तो फिलहाल दो रूम है, मैं और समीर दादा एक रूम में है और आनंद दादा अकेला एक रूम में ऊपर के फ्लोर में। तो चलो भाई एंजॉय करो, गुड नाइट, सोते हैं, कल मिलते हैं, कल सुबह राइड शुरू करनी है। और ये है हमारी रूम, थोड़ी सी बिखरी हुई लेकिन बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे एसी रूम्स नहीं मिलते, बस फैन पे ही सब कुछ काम चल जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही पूरा ठंडा ठंडा है। बस और क्या था, हम लोग श्रीनगर पहुंच गए थे और काफी ऑफ रोडिंग करने के बाद थोड़े थक गए थे, अब सोना था क्योंकि कल जाना था कारगिल से लेके लेह की तरफ। तो देखो गाइस, एक इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आपके जो प्रीपेड सिम रहेंगे, जो जियो का भी अगर आपका सिम रहेगा, जो पोस्टपेड रहेगा, तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा। हालांकि पोस्टपेड चलते हैं, लेकिन अगर जियो के स्टोर में जाके आप प्रीपेड से पोस्टपेड करोगे तो ही चलेगा। अगर आप ऑनलाइन ऐप थ्रू करते हो तो वो वाले सिम कार्ड्स वहाँ पे नहीं चलेंगे, खास करके श्रीनगर में, कश्मीर में। तो हम लोगों ने क्या किया, वहां पे 400 रुपए का नया सिम कार्ड ले लिया और थ्रू आउट द जर्नी पूरा ले के सर्किट पे हम लोग उस कार्ड को यूज कर रहे थे। तो ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी फ्रॉम माय साइड। तो चलिए अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपने ये पूरा व्लॉग एंजॉय कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अंटिल देन गुड बाय, टाटा, अलविदा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद द गियर्स।